शीट नंबर 69, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, शीट नंबर 69 का प्रिंटआउट लें, टॉर्क आज आपको मिली होगी। बुकलेट का पेज नंबर 102, बुकलेट का पेज नंबर 102, ठीक 102, इस पे लिखो रेफर हैंड रिटन शीट, लिख लो रेफर हैंड रिटन शीट नंबर 69 फॉर प्रूफ। यहां से नहीं करना, लिख लो रेफर हैंड रिटन शीट नंबर 69 फॉर प्रूफ। तो हम टॉर्क का टॉपिक यहां से नहीं करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, जैसे आज मैं लिख के लाया हूं वो बेस्ट है। ये बुक्स कंफ्यूज करती हैं, वो एकदम सही है, ठीक। देखो ये टॉपिक या इससे रिलेटेड टॉपिक एनसीईआरटी में आने का चांस बहुत ही ज्यादा है, लिख लेना, फॉर एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन में भी इसके न्यूमेरिकल जो आज हम करेंगे बहुत बार मेडिकल नॉन मेडिकल के पेपर में एज इट इज देखने को मिलेंगे, जैसे आज हम करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ये है क्या, एक रेक्टेंगुलर लूप है ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है जिसमें करंट मूव कर रहा है। इस करंट कैरिंग मूव लूप को हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड भी लूप ने जनरेट नहीं किया, बाहर से किसी ने जनरेट किया। तो करंट कैरिंग लूप में चार वायर्स हैं स्ट्रेट, एक दो तीन और चार, चारों फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी। पहले काम करते हैं, देखते हैं कि फोर्स की डायरेक्शंस कैसे हैं, फिर हम टॉर्क के ऊपर आएंगे। क्या पॉइंट क्लियर है? तो ये लूप की ओरिएंटेशन कैसे है इसको भी देख लो। लूप की ओरिएंटेशन ऐसे है कि मान लो ये लूप है, ये लूप ऐसे पड़ी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, ठीक। ये पेन मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप है। मैंने लूप को थोड़ा सा इन्वर्ट कर दिया तो बी इस तरफ है और लूप थीटा एंगल अंदर चली गई, तो पेन में और ये वाले में ये जो एंगल बनेगा वो कितना है, थीटा, ठीक। तो मेरे ख्याल से डायग्राम समझ में आ रहा है, लूप अंदर की तरफ है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसने एंगल कितना बनाया, थीटा। कोई डाउट इसमें? लूप टेढ़ी है। एक चीज और ध्यान से देख, ठीक, हमने देखना है, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। तो लूप ऐसे पड़ी हुई है, लूप में करंट कैसे जा रहा है, यहां से गया नीचे आया अंदर चला गया फिर ऊपर आ रहा है, चेक कर लो, ऊपर आ रहा है, यहां आया नीचे आया और अंदर चला गया, ठीक। तो ऐसे ही है, इधर 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 और इधर सेम है, ठीक। ये भी क्लियर है यहां तक? अब एक काम करते हैं, चार वायर लेते हैं एक एक करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और फोर्स लगा के देखते हैं इसमें फोर्स कैसे लगेगी। जैसे सपोज पहले ये लेते हैं, इसकी लेंथ एल है और ब्रेथ बी है, तो इस पे फोर्स लगेगी कहां, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कहां पर है ऐसे है, करंट कहां पर है ऊपर है, तो सेंट्रल फिंगर करंट ऊपर है और ऐसे है, तो फोर्स कहां लगेगी, इनवर्ट्स। तो इस पूरी वायर पे फोर्स कैसे लगेगी, इनवर्ट्स। तो निष्क्लियर है यहां तक, बी करंट इनवर्ट, तो लिख लो डायग्राम में इनवर्ट्स, एफ वन के ब्रैकेट में इनवर्ट्स लिखा हुआ है यहां पर,
ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट एक काम करते हैं, पहले इस वायर पे देख लें, इस वायर पे करंट कैसे है? नीचे। बी कैसे है? राइट। तो बी करंट फोर्स कैसे है? आउटवर्ड्स। बी करंट आउटवर्ड्स। तो इस पूरी वायर पे F3 कैसे है? आउटवर्ड। लिख लो ब्रैकेट में आउटवर्ड्स। तो F1 कैसे लग रहा है? इनवर्ड। F3 कैसे लग रहा है? आउटवर्ड्स। ठीक हो गया यहां तक? अब बात करते हैं बाकी दो बची हुई वायर्स की। ये एक वायर है, अब ये जो वायर है इसमें करंट कैसे है? ऐसे। ठीक है, इसमें करंट ऐसे है। जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में लेंथ ली जाती है, हमने डिसाइड किया था, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आई इंटू एल क्रॉस बी। तो एल वेक्टर क्या लिया जाता है? जहां करंट है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं ये करंट है तो यही मेरी डिस्प्लेसमेंट है? तो एल में यानी कि लेंथ वेक्टर में और बी वेक्टर में यहां पर एंगल, ये बी वेक्टर है और ये एल है, थीटा नहीं बनेगा, थीटा नहीं बनेगा, इसकी जगह 180 माइनस थीटा। तो यहां पर समझ में आ रहा है, ये बी वेक्टर है और ये एल वेक्टर है। तो लेंथ वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितने हैं? 180 माइनस थीटा। कोई डाउट इसमें? तो फोर्स एक्सपीरियंस बोलो ये क्या करेगा? फोर्स बी आए लेंथ की जगह बी, बी आए एल, अच्छा मैंने एल लिख दिया, बी कर लेना यहां पे यार, दोनों जगह बी और स्मॉल बी कर लो। बी आए एल नहीं, बी आए स्मॉल बी, बी आए स्मॉल बी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन लेंथ बी और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में एंगल क्या लेंगे? 180 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या आएगा? बी आई बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। वो अलग बात है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा वापस क्या जाता है? साइन थीटा। उसे कोई मतलब अगर आपने गलती से साइन ऑफ 180 माइनस थीटा नहीं लिखा, थीटा लिख लिया, कोई फर्क नहीं, आंसर सेम आएगा। कोई डाउट इसमें? पर रूल वाइज समझ में आ रहा है एंगल क्या लेना है? डायरेक्शन देख लें, डायरेक्शन देखो, करंट ये लूप टेढ़ा है, ध्यान इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और लूप थोड़ा टेढ़ा ऐसे रखा हुआ है। ठीक, एल वेक्टर कौन सा लिया? ये लिया, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है। तो ये एल वेक्टर यानी कि बी स्मॉल बी वेक्टर है, लेंथ है, ये बी वेक्टर है। हम इसमें फ्लेमिंग का रूल नहीं लगा सकते फोर्स के लिए, क्योंकि फ्लेमिंग का रूल कब लगता है? जब तीनों चीजें 90 पे होती है, 90 नहीं है, 180 माइनस थीटा है। कोई बात नहीं, हमें फॉर्मूला था आई इंटू एल क्रॉस बी, तो हम राइट हैंड लेंगे, एल क्रॉस बी करें, ये एल वेक्टर है लेंथ और ये बी वेक्टर है, तो क्या आएगा? एल क्रॉस बी, ये एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी थंब कहां आएगा? ऊपर। तो ये रहा आपका एल जहां करंट जा रहा है, क्रॉस बी थंब ऊपर, यहां लगा लो, ये रहा आपका एल आई के साथ, एल बी मेरी तरफ है, क्रॉस बी, तो थंब कहां आएगा? ऊपर। तो ये वाला पोर्शन फोर्स एक्सपीरियंस कहां करेगा? ऊपर। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? अपवर्ड्स। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? लास्ट है नीचे वाली वायर, नीचे वाली वायर ये लूप है, नीचे वाली वायर में करंट ऐसे आ रहा है क्योंकि यहां से नीचे से होकर अंदर जाएगा, और बी वेक्टर कैसे है? यहीं पर है, बी वेक्टर ऐसे है, करंट ऐसे आ रहा है, तो लेंथ ऐसे है, तो इसमें भी फ्लेमिंग का रूल नहीं लगेगा, एल क्रॉस बी, ये एल है क्योंकि करंट के साथ एल जाएगा, बी इधर है, तो एल क्रॉस बी थंब कहां आएगा? नीचे। एल क्रॉस बी थंब कहां आएगा? नीचे। और वैसे भी पता ही है अगर इसमें करंट ऊपर है, मतलब इधर है, तो फोर्स ऊपर है, तो करंट ऑपोजिट द फोर्स नीचे बनेगी, तो इसलिए ये डाउनवर्ड्स आएगा। क्लियर है? यहां पे स्मॉल बी कर लेना, बी आई बी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब इमेजिन करो ये एक लूप है, इसमें इमेजिन करो पूरे इस साइड पर फोर्स ऊपर लग रही है 10 न्यूटन, इसमें पूरे इस साइड पर फोर्स नीचे लग रही है 10 न्यूटन, 10 और 10 कैंसिल, तो नेट फोर्स जीरो, तो लूप ना तो ऊपर जाएगा, लूप ना तो नीचे आएगा, यही रहेगा। लेकिन इस पोर्शन पे फोर्स कैसे लग रही है? इनवर्ड। इस पे फोर्स कैसे लग रही है? आउटवर्ड। तो कैसे होगा? ये घूम जाएगा, तो ये घूमेगा, तो इसमें क्या जनरेट होगा? टॉर्क। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, बताओ इस लूप पे नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स जीरो, क्योंकि ये फोर्सेस आपस में कैंसिल हो गई, ये फोर्स बी आई एल, ये फोर्स भी बी आई एल, तो एक फोर्स आउट है, एक फोर्स इन है, तो डायरेक्शंस ऑपोजिट, तो नेट फोर्स जीरो, पर नेट टॉर्क जीरो नहीं है। नेट फोर्स जीरो है पर नेट टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क जनरेट हो रहा है, उल्टा ये कपल की तरह काम कर रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स
कपल की तरह काम करेगा, कोई डाउट इसमें? तो फोर्स बाहर है, फोर्स अंदर है, इक्वल फोर्स है तो कपल हो गया, कपल ने टॉर्क जनरेट कर देना है, कोई डाउट इसमें? हाँ जी, समझ में आ रहा है यहां तक? तो टॉर्क निकालने इसमें कैसे निकलेगी? टॉर्क के लिए काम करने कंस्ट्रक्शन है, डॉट 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 डॉट, ये कंस्ट्रक्शन है। तो इस कंस्ट्रक्शन के अंदर ये लेंथ क्या है? बी है, और अगर ये एंगल थीटा तो ये भी क्या है? थीटा है, ठीक। तो मैं इस, मुझे ये पता लग रहा है इस पूरी साइड पे फोर्स कैसे है इनसाइड, और इस पूरी साइड पे फोर्स कैसे है आउटसाइड। तो इनसाइड आउटसाइड, जैसे ये इनसाइड है, यहीं पे मान लो आउटसाइड है, इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये रेड वाला, ये फोर्स इनसाइड है, यहां पर फोर्स आउटसाइड है, ये लो ऐसे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, क्योंकि कपल के अंदर टॉर्क कैसे निकलता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ये निकाल लिया या ये निकाल लिया, एक ही बात है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया मैंने डॉट डॉट डॉट, तो ये निकाल लिया, एक ही बात है। तो मैं इस ट्राइंगल का डायग्राम अलग से बना रहा हूं, नीचे ये देखो, ये अलग डायग्राम है थोड़ा सा। तो ये लेंथ अगर बी है और ये थीटा थीटा ऑल्टरनेट है, और अगर ये स्मॉल बी है तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल बी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा क्या होगा? एक्स डिवाइडेड बाई बी, तो ये क्या होगा? बी कॉस थीटा। तो इतने ये लूप है, बनाया नहीं मैंने, तो इतने पोर्शन पे फोर्स अंदर है, इस पे बाहर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी कॉस थीटा। तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क होता है फोर्स, कोई भी आइदर फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बी आई एल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? बी कॉस थीटा। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा लूप का? एरिया। तो ये क्या आ गया? टॉर्क। ये एक लूप का आया, ऐसे अगर इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स होते तो ये क्या हो जाता? एन टाइम्स। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक,
देखो तो हमने टॉर्क का फॉर्मूला क्या डराइव किया, एन बी आई ए कॉस थीटा, कोई डाउट इसमें? इसमें एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और थीटा क्या था, एंगल बिटवीन लूप, प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लेन ऑफ लूप ये पूरा प्लेन है, इसने बी के साथ एंगल क्या बनाया था, थीटा। क्लियर है यहां तक? आपको जब प्रूफ आएगा आपने यहां तक नहीं रुकना कि हो गया नहीं हुआ, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आई ये टॉर्क की, स्टैंडर्ड फॉर्म आगे आएगी। लेकिन उसको करने के लिए आपको एक बहुत ध्यान से एक चीज देखनी है। सपोज ये लूप है, ये लूप ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर था, मैं एक और वेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं या एक लाइन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये मान लो पेन इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये रहा। तो इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रहा है लूप के साथ, तो ये साइड और ये पेन 90 पे है, और मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही है जैसे इस तरफ था, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो लूप ने इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बनाया था, थीटा, और ये टोटल एंगल कितने हैं, 90। तो अगर ये 90 है और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला कितने, 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? क्लियर यहां तक? फिर से देख लो, ये जो पेन है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है इस साइड के साथ, लूप तो टेढ़ा ही है, बी यहां पर था सीधा, बी में और लूप में एंगल 90 है, एंगल थोड़ी थीटा है, और टोटल एंगल 90 का मतलब ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। ये ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल एल्फा है, तो थीटा प्लस एल्फा इज इक्वल टू 90। तो यही किया है इसमें, ये वो लाइन है जो इस लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ लूप ने कितना एंगल बनाया, थीटा। तो इस और इसने क्या बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने बी के साथ एल्फा, थीटा प्लस एल्फा इज इक्वल टू 90। तो थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 माइनस एल्फा। कोई डाउट इसमें? तो आपने टॉर्क कॉस थीटा तक प्रोड्यूस कर लिया, कर लिया, थीटा की जगह रिप्लेस करो, थीटा की जगह रिप्लेस करो कितना, 90 माइनस एल्फा। तो आंसर क्या आएगा, 90 माइनस एल्फा कॉस क्या आएगा, साइन एल्फा। टॉर्क का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपने साइन में इसको जो है प्रूफ करना है। तो आपको न्यूमेरिकल्स में कॉस से आंसर आएगा या साइन से आएगा, कोई भी यूज कर सकते हो। कॉस कब यूज करना है, जब एंगल थीटा के बनो, हाँ ऐसे याद करना है, थीटा अल्फा मत याद करना, न्यूमेरिकल में दिखते नहीं थीटा अल्फा। तो आपने ऐसे याद करना है कि अगर लूप में और बी में एंगल गिवन है न्यूमेरिकल में, फिर तो यूज करेंगे कॉस, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बी में एंगल गिवन है तो यूज करेंगे साइन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो अल्फा का मतलब एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट, अभी भी रुकना नहीं है, प्रूफ आगे तक चलेगा। इसके बाद एक टॉपिक ध्यान से देखो, करंट कैरिंग लूप है, ठीक, अभी वहां पे आऊंगा 2 मिनट तक। करंट कैरिंग लूप है जो अपने एक्सिस पे बी जनरेट करता है, ध्यान से सुनना। हाँ, करंट कैरिंग लूप है, हमने किया वो अपने एक्सिस पे बी जनरेट करता है, और कैसे करता है, ऐसे ऊपर की तरफ करेगा, फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे, थंब ऊपर आएगा, और ये जो बी होगा ये किसकी वजह से होगा, लूप की वजह से, ये एक्सटर्नल नहीं है, ये लूप की वजह से है। फर्क है एक्सटर्नल बी में और लूप के बी में, फर्क होता है, ये लूप का बी है, कोई डाउट इसमें? और वैसे भी ये तो टॉपिक अलग है, मैं तो कुछ और बताने जा रहा हूं, एक नया टॉपिक बता रहा हूं। तो हम ना एक चैप्टर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, सी चैप्टर, मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो बेसिकली उसमें यह सिखाया जाता है कि अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ दो पोल्स हैं, और ये जो बार मैग्नेट है इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो इसका कोई डायपोल मोमेंट होगा कैपिटल एम वेक्टर, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में प्लस क्यू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसका क्या होता है डायपोल मोमेंट, पी वेक्टर। तो जो काम इलेक्ट्रोस्टैट्स में पी वेक्टर करेगा वो बार मैग्नेट में एम वेक्टर करता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। क्लियर है यहां तक? अब कोई ये कहता है कि ठीक है, जो चीज बी जनरेट करती है वो तो मैग्नेट है, इसका मतलब अगर ये बी जनरेट करता है तो ये मैग्नेट है,
ऐसे करंट कैरिंग लूप भी तो बी जनरेट करती है, इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, तो ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, और अगर ये बी जनरेट करता है इसका डायपोल मोमेंट कैपिटल एम वेक्टर है, तो ये भी तो बी जनरेट करता है इसका भी तो कोई डायपोल मोमेंट होना चाहिए, तो इसका भी डायपोल मोमेंट होता है एम वेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है करंट इंटू एरिया, हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अगर आप करंट आए लूप के करंट को इसके बीच के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो कैपिटल एम की वैल्यू कैसे आएगी, समझ में आ रहा है यहां तक? तो कैपिटल एम की वैल्यू के लिए करंट इंटू एरिया करेंगे, कैपिटल एम कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर कैपिटल एम इज करंट इंटू एरिया जैसे मैंने बताया, और ये तरीका है, ये कैसे आया ये तो नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। अब कैपिटल एम इज अ वेक्टर, कैपिटल एम की डायरेक्शन निकालना सीख लो करंट कैरिंग लूप में। तो अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है, चार फिंगर को घुमाओ जैसे बी निकालते थे, वही तरीका है एम निकालने का भी। तो एम की डायरेक्शन भी एग्जैक्टली वही होती है जहां पर बी होता है, तो अगर करंट ऐसे घूम रहे हैं बी इधर है तो एम भी इधर है। कोई डाउट इसमें? तो आपको कैपिटल एम का मेथड समझ में आ गया करंट इनटू एरिया, और आपको इसकी डायरेक्शन भी समझ में आती है। और ये भी रूल है, इसमें एक लूप है, अगर एन नंबर ऑफ लूप्स हैं तो इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एन से, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो कैपिटल एम का मतलब समझ में आ गया एन इंटू करंट इंटू एरिया, और कैपिटल एम की डायरेक्शन भी समझ में आ गई। तो वापस चलते हैं अपने रिजल्ट पे, हमने टॉर्क ही निकाल लिया, एन इंटू आई इंटू ए की जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को लिखना है, तो एम इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, एम क्रॉस, यहां तक करके आना है। ये टॉर्क का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी वाले कहते हैं, यहीं तक करके आना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक। तो टॉर्क वेक्टर इज एम क्रॉस बी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, और दो बैचेस में जब जब पढ़ाया, अभी दो बैच पढ़ा के चुका हूं, दोनों के अंदर स्टूडेंट ने पूछा, वो ये पूछा कि बी वेक्टर भी तो ऐसे निकला, एम वेक्टर भी ऐसे निकला, तो टॉर्क तो जीरो हो गया। मैंने पूछा कैसे, कहते एम और बी में एंगल जीरो, तो साइन जीरो इज जीरो, बात खत्म, टॉर्क जीरो। कितने लोग ऐसे सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे, लिख लेना टॉर्क के अंदर एम। अब ये टॉपिक वो पुराना टॉपिक है, ये टॉपिक अलग टॉपिक है। तो जब मैं एम क्रॉस बी लगाऊंगा ऐसे नहीं लगाऊंगा, बी में लूप का कभी नहीं लूंगा, बी में कौन सा लूंगा, एक्सटर्नल लूंगा। ये नहीं है कि एक लूप ने खुद ही बी जनरेट किया, मतलब आपने करंट पास किया, उसने खुद ही बी जनरेट किया, खुद ही एम जनरेट किया और खुद ही घूमना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होगा। करंट कैरिंग लूप को किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में रखना होगा। कहने का मतलब, लिखो यहां पर एम, एम के नीचे लिखो दिस इज ड्यू टू लूप, ड्यू टू लूप, कैपिटल एम इज ड्यू टू लूप, करंट कैरिंग लूप जनरेट करेगा, और ये कैपिटल बी मेरे एक्सप्रेशन में क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो बी स्टैंड फॉर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल एम किसने जनरेट किया, लूप ने, बी किसने जनरेट किया, एक्सटर्नल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं? अब कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैं लूप का बी तो यूज ही नहीं कर रहा, मैं तो एक्सटर्नल बी यूज कर रहा हूं। पॉइंट समझ में आ गया? तो अब अगर ये क्वाइल या कोई भी लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, लूप भी यहीं पर है, तो प्लेन ऑफ लूप इज मेकिंग एन एंगल ऑफ जीरो डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा क्या होगा, जीरो। और अगर जब थीटा जीरो होगा, थीटा प्लस अल्फा क्या होता है, 90, तो अल्फा क्या होगा, 90। आप कोई मर्जी फॉर्मूला यूज कर लें, अगर थीटा जीरो है, लूप लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है, 1। या ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन 90 क्या होता है, 1। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एन बी आई ए। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड राइट है, लूप भी राइट है, तो समझो टॉर्क मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड राइट है, लूप उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा क्या हो गया, 90, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर एक लूप 90 डिग्री पे है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वो टॉर्क जनरेट नहीं करेगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए पहला क्वेश्चन पढ़ें प्लीज।
देखो मैक्सिमम टॉर्क, इधर देखो मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ऑफ एरिया इज गिवन, तो ये टॉर्क मैक्सिमम है इज गिवन एंड करंट पता है बी निकालना है, तो मैक्सिमम टॉर्क हमने क्या निकाला था एन बी आई ए कॉस 01 था, तो मुझे क्या निकालना है बी, जब नंबर ऑफ टर्न ना गिवन हो तो वन नंबर ऑफ टर्न है इसका मतलब एक ही लूप है, एन की जगह वन, करंट पता है, एरिया पता है और मैक्सिमम टॉर्क पता है, आंसर दिया जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है यहां तक? इस क्वेश्चन में फाइंड टॉर्क ऑन 100 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल, टॉर्क निकालना है, 100 टर्न्स हैं, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है तो एरिया आ जाएगा, करंट पता है, प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद मैग्नेटिक, तो लूप ने एंगल कितना बनाया 60 डिग्री, तो कॉस ऑफ 60, तो एन पता है, बी पता है, आई पता है। आपकी जितनी भी बुक्स हैं ये भी सुन लो, जब आप बुक्स पढ़ेंगे वो कभी कॉस का फॉर्मूला यूज नहीं करता, वो स्टैंडर्ड साइन का यूज करता है, अगर उसको न्यूमेरिकल में गिवन होना कॉइल ने एंगल बनाया 60 डिग्री तो वो सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एंगल निकालता है, कितना 90 माइनस 60 30 और यूज करेगा साइन 30 और मैंने कॉस ही यूज कर लिया। ठीक, तो एक ही फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, जो करना है ये बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार पढ़ो, इंपॉर्टेंट है ये।
देखो तो बी इधर देखो, बी की वैल्यू गॉस में गिवन है, टेस्ला में कन्वर्ट करो बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 10^-4, करंट पता है, व्हाट इज शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक लेंथ 44 सेंटीमीटर की गिवन है और मुझे ये बताना है कि मैं क्या उसे स्क्वायर बनाऊं, रेक्टेंगल बनाऊं, सर्कल बनाऊं, ताकि टॉर्क मैक्सिमम आए। तो टॉर्क में क्योंकि एरिया आ रहा है, हमने उसकी शेप ऐसी बनानी है कि एरिया की वैल्यू क्या आ जाए, मैक्सिमम, और वो सर्कल ही है फॉर गिवन पैरामीटर। याद रखना सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा आएगा, ये रूल है, करके देख लो। स्क्वायर रेक्टेंगल सब 2πr इज इक्वल टू किया 44, स्क्वायर बनाओगे तो 4a इज इक्वल टू 44, साइड 11 सेंटीमीटर की आएगी, 11 सेंटीमीटर का एरिया क्या आएगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें कितना आ रहा है 154, क्योंकि जब मैंने सर्कल बनाया तो 2πr इज इक्वल टू 44, यहाँ से रेडियस आ गया, रेडियस से एरिया आ गया, सेंटीमीटर में 154 बनेगा, वो 121 था, तो ये एरिया ज़्यादा ही आएगा। तो ये रूल है, आपने सर्कल ही बनाना है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मैक्सिमम टॉर्क के लिए एंगल भी क्या रखना है, जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन रखना है। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी आई ए, एन तो वन है, इसमें ए की लूप बनाया हमने, बी पता है, आई पता है, और एरिया हमने सर्कल का निकाल लिया आंसर, तो आपने कॉस थीटा को भी वन पुट करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 25 टर्न्स एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.2 टेस्ला। तो इसको वर्टिकल लटका दिया हमने इस तरीके से ताकि मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल राइट है। तो फाइंड फोर्स एंड टॉर्क ऑन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स निकालनी है और टॉर्क निकालना है। तो देखो इसमें क्या करना है, हमने इसके अंदर सपोज ये एक लूप है, करंट इसमें ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ये लो। तो इसमें ये एलिमेंट ले लेते हैं, चलो इस एलिमेंट में करंट नीचे आ रहा है, इस एलिमेंट में करंट ऊपर आ रहा है, ठीक, जस्ट दो एलिमेंट्स लिए। फोर्स बताओ कैसे एक्सपीरियंस करेगा ये एलिमेंट, बी कैसे ऐसे है, करंट कैसे है? नीचे है, फोर्स कैसे लगेगी, बाहर बाहर। यहां पे देखें बी ऐसे है, करंट कैसे है, ऊपर है, फोर्स कैसे लगेगी, अंदर। तो इस पोर्शन पे फोर्स लगेगी बाहर, इस पे लगेगी अंदर, तो नेट वही रेक्टेंगल वाला केस है, तो इसमें टॉर्क जनरेट होगा, तो नेट फोर्स क्या होगी, जीरो, क्योंकि जितनी फोर्स अंदर लगेगी उतनी फोर्स बाहर भी लगेगी, बाइसमेट्री सेम आधी आधी, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। पहला पार्ट क्लियर है, नेट फोर्स जीरो, तो टॉर्क जीरो नहीं होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा, वो क्यों, क्योंकि कॉइल इज लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि लूप का एंगल कितना है, जीरो। तो इस केस में एन बी आई ए कॉस जीरो, तो यहां पर एन गिवन है, बी गिवन है, आई एरिया पाई आर स्क्वायर से आ गया, टॉर्क आ गया मैक्सिमम। एक तो टॉर्क की डायरेक्शन निकाल लें, टॉर्क की डायरेक्शन के लिए टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क क्या होगा बोलो, एम क्रॉस बी, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म है ये, कोई डाउट इसमें, ठीक यहां तक? अच्छा, एम वेक्टर किसका लेना होता है बताओ, लूप का, और बी वेक्टर क्या होता है, ठीक, तो बी वेक्टर तो राइट की तरफ है, एम वेक्टर निकालने का तरीका क्या बताया था, करंट की तरफ चार फिंगर, तो एम वेक्टर बाहर आएगा, एम वेक्टर क्लियर है, तो एम वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। बोलो टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एम वेक्टर है, एम वेक्टर बाहर है, बी वेक्टर इधर है, एम क्रॉस बी राइट हैंड, एम क्रॉस बी, एम एम के ऊपर राइट हैंड, क्रॉस बी थंब कहां आएगा, ऊपर, तो टॉर्क की डायरेक्शन कहां आएगी, अपवर्ड्स। समझ में आ रहा है एम क्रॉस बी, कोई डाउट इसमें? और ये बताओ कि अगर ये बॉडी पे टॉर्क ऊपर है तो ये तो ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो बताओ मैं अपना एक्सटर्नल टॉर्क कहां लगाऊं, क्योंकि ये टॉर्क तो मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया ताकि ऊपर ना जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, नीचे, डाउनवर्ड्स। तो ये जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, ठीक यहां तक?